कभी कभी पत्नी, प्रेम क्या, या कोई अन्य पर्सन हमसे कोई मनमानी कार्य करने के लिए बोलता है, ऐसा कार्य जो हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे कराना चाहता है, और यदि हम उस कार्य को करने से मना करते हैं तो वो सुसाइड करने की धमकी देने लगता है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं रुकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि कोई पर्सन अपना मनमानी कार्य, ऐसा कार्य करने के लिए हमसे बोलता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, और यदि हम उस कार्य को करने से मना करते हैं तो इस स्थिति में वो सुसाइड की धमकी देने लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए खुद के बचाव के लिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कानून में धमकी के लिए क्या प्रोविजन किया गया है। आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड की धारा 503 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी, चोट पहुंचाने की धमकी अथवा कोई ऐसा कार्य करने की धमकी देता है जो करने के लिए वह व्यक्ति बाध्य नहीं है, तो यह एक अपराध कहलाएगा और ऐसी धमकी आपराधिक धमकी कहलाएगी। आपराधिक धमकी के लिए सजा आईपीसी के सेक्शन 506 में प्रोविजन किया गया है। यदि कोई किसी व्यक्ति को धमकी देता है और कोर्ट में ये बात सिद्ध हो जाती है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा सजा अथवा जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमसे मनमानी कार्य करने के लिए बोलता है, जैसे पत्नी घर, कपड़े, जमीन आदि खरीदने के लिए, अथवा माता पिता से अलग रहे नहीं तो सुसाइड कर दूंगी, अथवा प्रेमिका मुझसे शादी कर दो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी, अथवा कोई व्यक्ति है अपनी मनमानी कार्य करने के लिए बोलता है और यदि हम मना करते हैं तो सुसाइड करके हमें फंसाने के लिए धमकी देता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उस व्यक्ति से बात करके मामले का समाधान खोजना चाहिए और आपस में बैठ के बात करके समाधान खोजने की कोशिश करना चाहिए। यदि आप उससे बात कर चुके हैं और कोई समाधान नहीं निकला है अथवा आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं तो इस स्थिति में आपको कानून की मदद जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में आप आगे चल के बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन में सब कुछ डिटेल में लिख के एक शिकायत दर्ज कराना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है, कौन से कार्य कराने के लिए आपको सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, उससे आपका क्या संबंध है, और आपको ये पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना चाहिए कि यह पर्सन मुझे इस कार्य को कराने के लिए सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, और यदि यह भविष्य में सुसाइड करता है तो इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं होगा, यह अपने मनमानी कार्य को कराने के लिए मुझे सुसाइड की धमकी दे रहा है। और इस प्रकार से आपको एक लिखित शिकायत लिख के पुलिस स्टेशन में जरूर दर्ज करा देना चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ जो आपको सुसाइड की धमकी दे रहा है। इससे आप भविष्य में आने वाली समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं। सिर्फ सुसाइड की ही धमकी नहीं, यदि आपकी पत्नी किसी मनमानी कार्य को कराने के लिए आपको धमकी देती है और कहती है कि यदि मेरा ये कार्य करो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर 498A का झूठा केस कर दूंगी, तो यह भी एक अपराध होता है और आप इसकी भी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यदि कोर्ट में आप ये बात सिद्ध कर देते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपको धमकी दिया है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने जाना कि यदि आपकी पत्नी, गर्लफ्रेंड या फिर अन्य कोई पर्सन अपनी मनमानी कार्य कराने के लिए हमें सुसाइड की अथवा अन्य किसी प्रकार की धमकी देता है तो इस बात की शिकायत आप पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत आईपीसी अंडर सेक्शन 503 के तहत दर्ज होगी और इसमें सजा आईपीसी अंडर सेक्शन 506 के तहत मिलेगी, जो कि 2 वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप फोन पे बात करके हमसे किसी प्रकार का कोई समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप किस प्रकार से हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।